करनाल से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एलोपैथिक दवा कंपनी जी लैब पर रेड पड़ी है। कंपनी की 10 यूनिट पर आयकर की छापेमारी। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में ठिकानों पर रेड मारी गई। कंपनी के दफ्तर, प्रोडक्शन यूनिट पर छापा मारा गया है। मंगलवार से कंपनी पर छापेमारी जारी है। तो एलोपैथिक दवा की कंपनी जिस पर ये रेड मारी गई है, जी लैब, और कंपनी के दफ्तर, प्रोडक्शन यूनिट पर छापा मारा गया है। बता दें कि मालिक जी कंपनी के मालिक के करनाल आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। हरियाणा समेत 3 राज्यों में आयकर विभाग की ये छापेमारी करीब 100 घंटे से ज्यादा वक्त से जारी है। मंगलवार को 8 से 10 टीमों ने दवा कंपनी के दफ्तर, प्रोडक्शन यूनिट और कंपनी के मालिक राजीव मुकुल के आवास पर एक साथ छापेमारी की थी। 5 दिन बीत जाने के बाद भी आयकर विभाग की छानबीन जारी है। अधिकारी दस्तावेज समेत कंपनी का रिकॉर्ड खंगालने में जुटे हुए हैं। आयकर विभाग ने जी लैब पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह से ही आयकर विभाग की टीमें जी लैब के दफ्तर, फैक्ट्री और मालिक राजीव मुकुल के आवास पर पहुंची थी और उसके बाद लगातार आयकर विभाग की ये कार्रवाई जारी है। जिस तरह से ये रेड हुई है, कंपनी के 8 से 10 ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है, ऐसे में लगातार जो है कार्रवाई जारी है। और ये नेशनल हाईवे 44 पर जी लैब का मुख्यालय है जहां पर जो आयकर विभाग की टीमें पहुंची थी। अब यहां पर सुरक्षा के चलते किसी तरह का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हैं, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और ना ही अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी आयकर विभाग की तरफ से इस रेड के बारे में दी गई है। लेकिन बीते करीब 100 से 105 घंटे हो चुके हैं और आयकर विभाग लगातार जी लैब की जांच में जुटा है और ये बड़ा एक्शन है आयकर विभाग का, क्योंकि करनाल के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कंपनी के जहां जहां भी यूनिट है, करनाल में भी 3 यूनिट बताए जा रहे हैं, वहां पर आयकर विभाग की दबिश हुई है और कई टीमें हैं जो छानबीन में लगातार जुटी हुई है और इसी तरह की कार्रवाई ये लगातार बीते करीब 100 घंटे से जारी है। ऐसे में बड़ा खुलासा हो सकता है जिस तरह से आयकर विभाग की टीम ने ये एक्शन लिया है। और हम आपको बता दें कि जो राजीव मुकुल हैं, उनका सेक्टर 13 स्थित निवास है, वहां पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है, वहां पर भी ये छानबीन की जा रही है। क्या कुछ होगा कुछ समय बाद जब आयकर विभाग की टीमें आएंगी, उनकी तरफ से क्या कुछ बताया जाएगा इस रेड के बारे में, वो भी खुलासा होगा। अभी जो है पूरी टीमें यहां पर अंदर मौजूद है और लगातार ये छानबीन की जा रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा।